नीचे कर। कितना दिन बचा है याद है तेरे को? 4 दिन, सिर्फ 4 दिन। 4 दिन में अगर हम तक पैसा नहीं पहुंचा तो तुझे भगवान तक पहुंचा देंगे, समझा ना? मैं इसी 4 दिन में पैसे वापस कर दूंगा, पक्का। याद से सर, मैं आज ऑफ ले लूं सर, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। पंकज, रोज थोड़ी कसरत कर लिया करो, लेकिन तुम मेरी बात मानते ही नहीं हो। हा? सर, कसरत करना तो दूर की बात, पंकज से कहता हूं जरा खाना कम कर, लेकिन खाने का नाम सुनके इसकी भूख बढ़ जाती। सर निखिल, क्या हुआ? एक काम कर, यहां बैठ। मेरी माँ की तबीयत है। क्या हुआ तुम्हारी माँ को निखिल? सर, कल रात को उनको हार्ट अटैक पर हॉस्पिटल में एडमिट है सर। तुम शांत हो जाओ, सब 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 ठीक हो जाएगा। ये बताओ कि अब तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? सर, डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। निखिल, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन भी हो जाएगा और ठीक हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो। चिंता की बात है कि उनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? ऑपरेशन क्यों नहीं हो पाएगा? सर, 9 लाख रुपए चाहिए सर, और मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए इकट्ठा किए सर, बाकी के पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। निखिल, घबराओ मत, मैं अभिजीत, हम सब मिलके 3 लाख रुपयों का बंदोबस्त कर देंगे, ठीक है? थैंक यू सर, लेकिन फिर भी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा ना, बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे सर? मैं एसीपी साहब से बात करता हूँ, वो पैसों का इंतजाम कर देंगे, तुम्हारी माँ का ऑपरेशन कल सुबह ही होगा। लेकिन सर, वो तो शहर से बाहर है ना। हाँ, मगर एसीपी साहब पैसों का बंदोबस्त कर देंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। निखिल, यहाँ रुको, एक सेकंड। तो क्या? 20 रुपये साहब। थैंक यू। अरे पंकज, तुम यहाँ अर्जुन केस आ गया क्या? अरे जितना भी अर्जुन केस हो, एसीपी सर तुम्हें नहीं बुलाएंगे, वो समझते हैं। मैं तो तुम्हें ये देने आया था, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं, ये 3 लाख रुपए हैं, हम सबने इकट्ठा किए हैं, और 5 लाख कल सुबह तक हो जाएंगे। अभिजीत सर ने एसीपी सर से बात की है, वो कल सुबह मुंबई आ जाएंगे और आते ही पैसों का इंतजाम कर देंगे। मुझे नहीं लगता एसीपी सर इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? पंकज, तुम तो जानते हो हमारी तनख्वाह कितनी कम होती है, और इतनी कम तनख्वाह में इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल है। अरे उन्होंने कहा है तो कुछ सोच समझ के कहा होगा। तेरी माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ नहीं बल्कि मेरे लिए भगवान का अवतार है, तो मैं आज अपने भगवान के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अगर वो ना होती तो मुझे कुत्ते बिल्लियों ने खा लिया होता। क्या? हाँ पंकज, मैंने आज तक कभी किसी को ये बात नहीं बताई। जब मैं 3 महीने का था तो उन्हें एक कचड़े के डिब्बे में मिला था। देखिए देखिए, ये वक्त नहीं है सब चीज़ सोचने का, हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पे डॉक्टर से बात कर लेंगे, उन्हें पैसे दे देंगे और कहेंगे कि 5 लाख कल सुबह दे देंगे उन्हें, वो हमारी बात मान जाएंगे। चलो, नहीं मानेंगे पंकज, लो हॉस्पिटल का रूल है, जब तक पूरे पैसे नहीं दोगे वो माँ का ऑपरेशन नहीं करे, और माँ की हालत बिगड़ती जा रही है, और मैं कल तक वेट नहीं कर सकता, कल तक वेट नहीं कर सकता। रात को ही कुछ करना पड़ेगा पंकज, मैं अपनी माँ को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी हम चलते हैं हॉस्पिटल, ठीक है? वो लोग डॉक्टर से बात कर लेंगे, वो हमारी बात मान लेंगे, समझो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे, हम लोग डॉक्टर को मना लेंगे, तुम चलो चलो चलो, उन्हें पैसे देंगे, उन्हें कहेंगे और 5 लाख कल सुबह दे देंगे हम, चलो हमारी बात मान लेंगे, चलो। Thank you.
और मुझे कुछ सासुजा नहीं जिंदा है, एम्बुलेंस को फोन करता चल दे। देखिए नेटवर्क ही नहीं है, ऐसी हालत में इसे हॉस्पिटल कैसे लेके जाएंगे? गाड़ी गाल भी ठीक नहीं लग रही है। गाड़ी यारी रोको उसे। रुक जाओ। हम लोग सीआईडी से हैं। इस आदमी का एक्सीडेंट हो गया है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। जी 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 संभाल के निकल, तो अपनी माँ के पास जाओ, मैं इसे आसपास कोई हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। चलिए सवाल क्या? अरे गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही है, चलिए सवाल के। कोई काम है नहीं, मैं जाऊं? I'm so sorry, आप जा सकते हैं, मैं जरा sorry, thank you sir। सर ऑपरेशन अभी तक चल रहा है सर। और ये निकल कहाँ गए? सर वो अपनी माँ के पास हॉस्पिटल गए उनके। हाँ डॉक्टर साहब, ओके सर, आई एम सॉरी, हम उसे बचा नहीं पाए। ओह नो, मगर ऑफिसर उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है। क्या? उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई तो फिर कैसे हुई? इसकी मौत जहर से हुई है। जहर से हुई है? यस। या सर, पैसों का इंतजाम हो गया है, निखिल की माँ के ऑपरेशन में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सर निखिल को भी इस बात का इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, बहुत परेशान था बेचारा। पंकज, इस निखिल का फोन नॉट रिचेबल आ रहा है, निखिल को किसी भी तरह इन्फॉर्म करो कि उसकी माँ का ऑपरेशन आज ही हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ बॉस, मैंने टेस्ट कर लिया, दरअसल वो हॉस्पिटल का डॉक्टर एकदम सही बोल रहा है, इस आदमी की मौत वाकई जहर से हुई। जहर से हुई? हाँ।
मैं दिखाता हूं, ये देखो ये नीला निशान देख रहे हो इसकी गर्दन पे, दरअसल जहर यहीं से इसके शरीर में इंजेक्ट किया गया। जैसे ही जहर ने अपना असर दिखाया, ये आदमी अपना कंट्रोल खो बैठा और इसका एक्सीडेंट हो गया। सर किस किस्म का जहर है ये? श्रेया बहुत ही खतरनाक जहर, शरीर में जाते ही मिनटों में अपना असर दिखाता। अच्छा? हाँ बस। तो फिर दया, आनंद को जहर या तो गाड़ी चलाते वक्त दिया गया होगा या फिर कुछ ही देर पहले। पता लगाना पड़ेगा आनंद को जहर दिया कब था। इसकी गाड़ी यहाँ पर लेके आओ दया। बस हाँ, एक मिनट, बस ये देखो ये छोटी सी पिन ने बड़ा काम कर दिया। ये देखो मतलब ये जहर इस पिन के जरिए आनंद के शरीर में घुस गया। देखो जी, कही आप कौन? सर मैं रीमा, आनंद जी की पत्नी। आनंद जी की पत्नी? अरे यार उनकी उम्र तो काफी कम है, ये आनंद जी की पत्नी। तेरा क्या प्रॉब्लम है साहब की? अरे हो गई दूसरी शादी आनंद की। नहीं मैं कह रहा हूं सर, सर मेरी मदद कीजिए सर, मेरे पति की खूनी को ढूंढ निकालिए सर। जिस शैतान ने मेरे पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया उसे आप सजा दीजिए सर। रीमा जी प्लीज आप चिंता मत की, हम आपके पति के खूनी को ढूंढ निकालेंगे। हाँ मत घबराइए। रीमा जी आप बार बार गाड़ी की तरफ क्यों देख रही हैं? सर इस समय पे ये बात कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन। लेकिन क्या? सर मेरी पति की गाड़ी में एक ब्रीफकेस था। ब्रीफकेस? लेकिन ये गाड़ी जब यहाँ पर आई इसमें कोई ब्रीफकेस नहीं था। नहीं सर ब्रीफकेस था, मुझे पक्का पता है। सर पंकज बता रहा था कि निखिल और पंकज जब आनंद जी को इस गाड़ी से निकाल रहे थे तब उन्होंने इस गाड़ी के अंदर एक काले रंग का ब्रीफकेस देखा था। हाँ हाँ काले रंग का ही ब्रीफकेस था। क्या क्या था उस ब्रीफकेस में बताइए जरा। सर उसमें उसमें 50 लाख रुपए थे। 50 लाख रुपए कैश? जी मेरे पति वो पैसे किडनैपर्स को देने के लिए जा रहे थे। सर सर किसी ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है। क्या तुम्हारे बेटे को किडनैप किया गया? कब कैसे? सर मैं अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए जा रही थी, ट्रैफिक की वजह से थोड़ी सी देर हो गई, मैं वहां पहुंची तो वो स्कूल में था ही नहीं। सर स्कूल के बाहर से ही किसी ने उसका किडनैप कर लिया। तो क्या फिर पैसे मांगने के लिए किडनैपर्स ने फोन किया? जी करीब 2 घंटे बबाद सर 3:30 बजे किडनैपर का फोन आया, उन्होंने मेरे बेटे को लौटाने के लिए 50 लाख रुपए मांगे। मेरे पति 50 लाख रुपए लेकर निकले ही थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया। एक बात बताइए, किडनैपर ने जो फोन किया था आपको, क्या उसने आपके सेलफोन पर किया था या फिर लैंडलाइन पर? सर लैंडलाइन पे फोन किया था। सचिन पिछले 2 दिनों में रीमा जी के लैंडलाइन पे जितने भी फोन कॉल्स आए थे उन सब के डिटेल्स निकलवाओ। अच्छा वैसे आनंद जी की गाड़ी और कौन कौन चलाता था? सर आनंद अपनी गाड़ी खुद ही चलाते थे, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। हाँ मेरी गाड़ी ड्राइवर चलाता है पर वो 1 हफ्ते से गांव गया हुआ है। सर कुछ भी कीजिए सर मेरे बच्चे को वापस घर ले आए। सर वो सिर्फ 7 साल का है, पता नहीं किस हालत में होगा। रीमा जी प्लीज देखिए आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूँ हम आपके बेटे को सही सलामत वापस ले आएंगे। श्रेया सर सर निखिल से तो कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। शायद हॉस्पिटल में होगा सर, मैं चेक करता हूँ।
हेलो डॉक्टर साहब, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। पैसे का इंतजाम हो गया तो आप निखिल की माँ का ऑपरेशन। अच्छा, क्या मैं निखिल से बात कर सकता हूँ अभी? ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है भैया, क्या हुआ? सर, डॉक्टर का कहना है कि निखिल की माँ का ऑपरेशन हो गया। निखिल खुद वहाँ सुबह पैसे देकर चला गया और फिर लौटा ही नहीं, और वो लोग निखिल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पैसे दे दिए? सर, निखिल ने इतने जल्दी पैसे अरेंज कैसे कर लिए? उस गायब बैग की वजह से तुम निखिल पे शक कर रहे हो? ऐसी बात नहीं सर, मैं तो इसलिए कह रहा था कि 5 लाख कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं। आखिरी बार उस पैसों के बैग के साथ कौन था? निखिल था सर, वही तो गाड़ी को लॉक करके हॉस्पिटल जाने वाला था। सर, मैं खुद हॉस्पिटल जाकर निखिल के बारे में पता करता हूँ। पंकज सर, उस दिन दोपहर में आनंद जी की लैंडलाइन पे 3 फोन आए थे सर। आनंद को 3 फोन आए थे? सचिन, पता लगाना पड़ेगा ये 3 फोन किए किसने थे और ये फोन आए कहां से थे। तो यही वो जगह है जहां के लैंडलाइन से आनंद जी को फिरौती का फोन आया था। नहीं आ रहा ऐसी सुनसान फैक्ट्री में ये लैंडलाइन क्यों लगा रखा है? ना कोई सिक्योरिटी वाला है, ना कोई चौकीदार। आसपास देखो, बच्चा कहीं दिखता है क्या? सर, ये जूता, स्कूल बैग और ये रस्सी मिली है। तो इस रस्सी से बांध के रखा गया था बेचारे को। ये किडनैपर से बहुत चालाक निकले हैं। इस फैक्ट्री के बंद पड़े लैंडलाइन से फोन किया उन लोगों ने फिरौती के लिए, ताकि पकड़े ना जाए। सर, पूरी फैक्ट्री छन गई, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कुछ तो मिला है फ्रेडी, बच्चे का जूता, स्कूल बैग और रस्सी। बच्चे को यही बांध के रखा गया था। सर, अब हम उन किडनैपर्स तक पहुंचेंगे कैसे? मोबाइल फोन से। वो कैसे सर? आजकल हर आदमी के पास मोबाइल फोन रहता है। जिस समय किडनैपर्स ने आनंद जी को फिरौती के लिए फोन किया, उस समय इस फैक्ट्री के अंदर कितने मोबाइल फोन एक्टिव थे, मोबाइल कंपनी से पता लगाओ।
Yes. इंस्पेक्टर निखिल की माता जी, उनकी तबीयत कैसी है? आपको डॉक्टर साहब बताएंगे. थैंक यू डॉक्टर साहब. जी. निखिल की माँ, उनकी हालत कैसी है अभी? ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया है और शायद 2-4 दिन में डिस्चार्ज भी मिल जाएगा. ओह थैंक गॉड. अच्छा, उसने पैसे तो पूरे दे दिए ना? जी हाँ, कल रात को 4 लाख दिए थे और आज सुबह बाकी के 5 लाख कैश दिए. आज सुबह 5 लाख रुपए कैश दिए. डॉक्टर साहब, इसमें 5 लाख रुपए हैं. अगर आपको एतराज ना हो तो निखिल ले जो आपको पैसे दिए थे वो आप हमें दे सकते हैं. आप ये रख लीजिए. हाँ कोई बात नहीं, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आया. प्लीज. रीमा जी, क्या बता सकती हैं कि आनंद जी ने पैसे का बंदोबस्त कैसे किया था? किस बैंक से? ओके ठीक है, थैंक यू सर. ये लीजिए वो 5 लाख जो निखिल ने दिए थे. थैंक यू सो मच. वॉलेट बैंक, इसका मतलब है ये वही बैंक है जहां से आनंद जी ने फिरौती के पैसे निकाले थे. सर, मैं निखिल के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता. वो ऐसा इतना घिनौना काम करेगा? नहीं सर, मुझे नहीं लगता निखिल ऐसा काम कर सके. फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकता, सारे सबूत उसके खिलाफ. सर, उस मिल के आसपास उस वक्त जितने भी फोन एक्टिव थे उनकी डिटेल्स मिल गई. उस वक्त 5 फोन एक्टिव थे उस मिल के आसपास. वो क्या कालीचरण? सर आप जानते हैं? हाँ, 5 साल पहले इस कालीचरण और कालिया को मैंने किडनैपिंग के केस में पकड़ा था. हालांकि सजा काटने के बाद इसने पान की दुकान शुरू कर दी. सर, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है. पता लगाते हैं इस वक्त इसका मोबाइल फोन कहाँ. जी ठीक है, थैंक यू सर. आनंद जी ने बैंक से जो नोट्स निकाली थी उनका सीरीज नंबर मिल गया. पंकज, सर इन नोट्स को इन सीरीज नंबर्स के साथ मैच करके देखते हैं. सर, सीरीज मैच कर रही है. इसका मतलब निखिल ने ही आनंद जी की गाड़ी से वो बैच चुराया है. निखिल ने सर क्या, उसे पैसे की जरूरत थी लेकिन इसी के साथ में उसे पैसे देने का वादा किया. पैसे चुराने की क्या जरूरत, क्या वजह उसकी? आ जाओ सर, यहाँ पर बहुत गड़बड़ है सर. सर अब जल्दी आ जाइए. कहाँ पे? ये जो पुरानी वाली मसाला मिल है जो बंद पड़ी हुई है उसमें. ठीक है, हम लोग अभी पहुँचते हैं. ठीक है ठीक है, ओके ओके. बॉस, वो CID अब उनको ढूंढते ढूंढते उस मिल तक पहुंच गए. बॉस, जाने दो, मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूं. कालिया को पकड़ना इतना आसान नहीं है. लेकिन अपनी मेहनत की तो वाट लग गई ना, और फिरौती के पैसे का क्या? आप कहो तो वापस आनंद को फोन करूं क्या? तेरे कान के नीचे बजाऊं क्या? बेवकूफ, ये कैसी आईडी क्या आपने? अगर उनको जरा सी भनक लग गई ना, पैसे भी जाएंगे, बच्चा भी. मुझे मामा के पास जाना है, मुझे मामा के पास जाना है. अभी पहुंचाता हूं तुझे तेरी माँ के पास. मुझे मामा के पास जाना है. तुझे तेरी मम्मा के पास जाना है. तुम्हारा पैसा कौन देगा? मुझे मामा के पास जाना है. चुपचाप यहीं पड़ा रहे वरना जबान खींच लूंगा. और हम तेरे हाथ तोड़ डालेंगे. हिलना मत वरना सब के सब यहीं ढेर हो जाओगे. चल चल कर. बोले किडनैपिंग के लिए 7 साल और खून के लिए तुम्हें फांसी होगी. फांसी
खून? मैंने किसी का खून नहीं किया। झूठ मत बोलो, आनंद जी का खून किया तुमने। क्या आनंद का खून हो गया? सर ये बहुत भोला है, बेचारे को कुछ नहीं मालूम। आनंद का खून क्यों किया? वो तो तुम्हें 50 लाख रुपए देने वाला था ना। सब वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसका खून क्यों करूंगा, अभी तो मुझे मेरे 50 लाख रुपए भी नहीं मिले। तो मुझे लगता है इस खून के पीछे कोई और ही है। हाँ जरूर वही होगा। वही कौन? मैं नहीं जानता सर, उसने मुझे कहा था इस बच्चे को किडनैप करो, 50 लाख रुपए मांगना, 40 तुम रखना और सिर्फ 10 मुझे दे देना। कौन है वो आदमी? या औरत? आदमी है साहब। आदमी? उसका नाम? मैं उसे नहीं जानता साहब, और ना ही मैंने उसे कभी देखा है, बस फोन पे बात हुई उससे। फोन नंबर दे उसका, कौन है वो हम पता लगा लेंगे। भेजो, इस भेजो का ही प्रॉब्लम है, हमेशा ले। तुम तो कह रहे थे बहुत अर्जेंट मैटर है, बड़े आराम से सीटी बजाते आ रहे। सर मैं सीटी इसलिए बजा रहा था क्योंकि मैं चिल्लाकर बात नहीं कर सकता। क्यों, ऐसी क्या बात? सर एक ऐसी चौंका देने वाली खबर है जिसे देखकर मैं खुद ही चौंक गया था। देख रहे चुप, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो कुछ भी है फटाफट बताओ। क्या? सर यहाँ पर मुक्केबाजी चल रही है। मुक्केबाजी? यानी कि मारा मारी? हाँ मारा मारी, जिसमें एक दूसरे को हरा दिया जाता है। सर ये तो गैर कानूनी है ना? नहीं, मुक्केबाजी की परमिशन ली जाती है। लेकिन सर उसके साथ साथ जो लाखों का सट्टा खेला जाता है वो तो गैर कानूनी है ना? सर एक आदमी से 4-4 लोगों की फाइट कराई जाती है और जो उसे इनाम मिलता है वो लाखों में, लेकिन सर उस पर जो पैसे लगाते हैं उसे तो 3 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। कहाँ हो रही है मुक्केबाजी? वहाँ सर, आइए। ए फॉलो मी। मुक्केबाजी का 4 राउंड जितना होगा तभी उन्हें इस मुक्केबाजी का इनाम मिलेगा सर। और जहां तक मैं जानता हूं सर, ये गुल्लू निखिल सर को 4th राउंड जितने नहीं देगा। क्यों? क्यों नहीं जितने देगा? क्योंकि इस मुक्केबाजी में बहुत झोलझाल है, देखते रहो खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये सब करने की क्या जरूरत है तुम्हें?
सॉरी सर। सर माँ के ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपए चाहिए थे सर। सर कुल्लू ने बोला 4 लोगों से फाइट करने के लिए। उसने बोला 4 लोगों से फाइट करोगे तो 5 लाख रुपए दूंगा सर। निखिल इसी भी साहब ने कहा था ना कि बोल 5 लाख रुपए देंगे तुम्हें। इतना वेट नहीं कर सकता था सर। अब सॉरी सर। तुम ऐसे चलो, तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं। चलो एक मिनट साहब, एक मिनट। जब तक निखिल चौथे राउंड की लड़ाई लड़ नहीं लेता तब तक वो घर वापस नहीं जाएगा। भाई मैंने पैसे दिए हैं, वो भी एडवांस। सर ये मेरा आखिरी लफ्ज़ है सर। नहीं निखिल सर प्लीज मुझे लड़ने दीजिए सर प्लीज। नहीं निखिल उसके बाद में। शाबाश, अब शुरू होगी जांबाज निखिल की चौथे और आखिरी राउंड की मुक्केबाजी। शाबाश मेरे शेर। निखिल तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें चोट लगी है। चलो चलो यहां से निकलो बाहर। अगर निखिल नहीं लड़ेगा तो उसकी जगह पे कौन लड़ेगा? मैं लड़ूंगा। निखिल को 5 लाख रुपए है, उस गुल्लू ने दिए थे। गुल्लू ने जिस आदमी ने बच्चे की किडनैपिंग के लिए खालिया को कहा था उसका मोबाइल नंबर यहीं पर ट्रेस हुआ है। असली किडनैपर यही है। इसको संभालो, मैं देखता हूँ गुल्लू को। चुपचाप मेरे साथ चलो वरना गोली अंदर और दम बाहर। चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दे। समझा निखिल को जो 5 लाख रुपए दिए तेरे पास कहां से आए? वो अकलाना बन जवाब दे। लाल टोपी वाले ने दिए। वो दाढ़ी वाला? हाँ। उसका नंबर दे जरा। फाइव नाइन सेवन। ये तो कालिया के बॉस का नंबर है। मतलब ये चल चल
चल। ये गुल्लू जी जरा इनका खास ख्याल रखना। रेडी अभिजीत। घर के अंदर गया सर। आने चाहिए घर में। हाँ अभी अभी। ये कौन है? किडनैपर अंदर है। चलो देखते हैं उसे। भैया अब आप फिक्र मत कीजिए, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा रीमा? आखिर ये तुम्हारा सौतेला बेटा है। तो क्या हुआ भैया? मैं सोनू से बहुत प्यार करती हूँ और अब आनंद जी के जाने के बाद मुझे ही इसे बड़ा कर। आप सब यहां पे अचानक? अगर आपको इतराज न हो तो बच्चे को दूसरे कमरे में भेज दे। सर क्या हुआ है? सर आनंद जी के खूनी का पता चला? जी हाँ पता चल गया। वो यही है हमारी आंखों के सामने। पर सर है कौन ये? तुम हो खूनी। सर ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये खूनी नहीं है, ये मेरा भाई है। भाई खूनी अभी अभी घर के अंदर घुसा है। कहाँ गई तुम्हारी दाढ़ी मूछे? दाढ़ी मूछ? और वो लाल टोपी वो कहाँ है? लाल टोपी? लाल टोपी? सर लाल टोपी तो मेरे ड्राइवर ने पहनी है, वो अभी अभी गाँव से वापस आया है। कहाँ आप पढ़ रहे हो? सर ऊपर है। सर वो रहा। एए! एए! रुक जा नहीं तो गोली मार देंगे। रुक आगे मत बढ़ना वरना मैं कूद जाऊंगा। ठीक है कूद जा। मैं सही मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कूद जाऊंगा। मैं हम भी मजाक नहीं कर रहे हैं, गोली बर्बाद करने से क्या फायदा सर, जब ये खुद ही मर रहा है तो ठीक है कूद जा। अरे कूद जा ना, कूद जा। अबे तो कूद ना, कूद ना। खुद को मारना इतना आसान नहीं है समझा? मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत थी इसलिए मैंने आनंद जी का फोन किया। किस लिए चाहिए थे 10 लाख रुपए? मैंने सट्टा खेला था साहब और उसके बेटिंग में मैंने काफी रुपया बर्बाद किए, इसलिए गुल्लू के आदमी मुझे धमकी दे रहे थे। 4 दिन में अगर हम तक पैसा नहीं पहुंचा तो तुझे भगवान तक पहुंचा देंगे। और इसलिए तुमने अपने मालिक का ही खून कर दिया। साहब मैंने ही कालिया से कहा था कि बच्चे को किडनैप कर ले, क्योंकि मुझे पता था आनंद सेठ अपने बच्चे को बचाने के लिए 50 लाख रुपया फौरन दे देंगे। और वो जहर वाली पिन भी तुमने आनंद जी के कार में लगाई ताकि पिन उन्हें चुभे, जहर फैले और एक्सीडेंट हो जाए। मगर कालिया तो तुम्हें 50 लाख में से 10 लाख देने वाला ही था ना, फिर आनंद जी को क्यों मारा तुमने? मैंने सोचा कालिया को 40 लाख रुपया क्यों दूं, मैं सारा पैसा हड़प करना चाहता था सर, इसलिए उस रात मैंने आनंद जी की गाड़ी का पीछा किया कि एक्सीडेंट होते ही रुपयों से भरा हुआ बैग मैं ले लूं। लेकिन निखिल और पंकज तुमसे पहले वहां पहुंच गए और उस वक्त तुम गाड़ी से वो पैसे वाला ब्रीफकेस निकाल नहीं पाए। हाँ सर, लेकिन उस रात हॉस्पिटल से लौटते हुए मैंने you
तुमने एक मासूम बच्चे को किडनैप किया और फिर उसके पिता को ही मार डाला, तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी, फांसी। आप सबने निखिल की जान बचा ली एसीपी सर। मैम ये कहकर आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। निखिल बहुत अच्छा लड़का है, मुझे बहुत प्यार करता है। आपने निखिल की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझा, इसे बचाने के लिए आपने अपनी जान तक दांव पे लगा दी। मुझे समझ नहीं आता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। सारा दिन घर पे बस आप ही की बातें करते रहता है, कहता है बस आप ही की तरह बनना चाहता है। आपका निखिल भी बहुत निडर और जाबाज है, एक दिन ये आपका नाम जरूर रोशन करेगा। और निखिल आगे जब भी कभी किसी तकलीफ में हो, किसी मुसीबत में हो, तो हमें बताओ, हम भी तो एक परिवार हैं।